Guys, this is Rajat Agrawal. Welcome to the another episode of Rajat's TechTube RTT. तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने मेरी स्क्रीन पर डबल रोल इफेक्ट देखा, वो आपको कैसा लगा? अगर आप भी अपनी कोई सिंपल वीडियो में एक ऐसा इफेक्ट डालना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही डबल रोल इफेक्ट डालना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसमें एक MD प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। MD प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मीडिया ब्राउजर पर क्लिक कीजिए और जो मैंने आपको सिंपल वीडियो दिखाई थी कि आपको ऐसी वीडियो बनानी है, उसको सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं आपको चूज़ करके दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैंने चूज़ कर लिए। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही पहले आता हूँ, आने के बाद यहाँ बैठ जाता हूँ। आपको इतनी वीडियो आगे करनी, मतलब मैं दोबारा यहाँ जो आता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ मैं, यहाँ तक आपको अपनी वीडियो लेकर आनी है। यहाँ पर लेकर आने के बाद आपको इस वीडियो को कट कर देना है आगे से, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं। कट करने के बाद आपको दोबारा लेयर के, अब की बार लेयर के बटन पर क्लिक करना है। लेयर के बटन पर मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको दोबारा ये वीडियो चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आपने जितनी वीडियो ऊपर वाली ली है, उस वीडियो को आपको नीचे वाली वीडियो में से काट देना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आप अपनी इस वीडियो को शुरू में ले आइए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन की बराबर इस वीडियो को ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद आपको साइड में एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस वीडियो को थोड़ा और काट लीजिए। या मैं चले जाता हूँ, मैं यहाँ साइड से आता हूँ, जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ यहाँ तक आप इसको काट दीजिए। काटने के बाद अपनी वीडियो को शुरू में ले जाइए। आप शुरू में ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसको आप इतना ट्रिम कर दीजिए जितना कि आपका टाइमिंग जो है सेट बैठ जाए, जिससे कि आपका जो, अब क्या करना है, सेकंड वीडियो पर क्लिक करना है। एक वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन सीजर के बगल में एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, फिफ्थ ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि आप मेरी वीडियो पे देख पा रहे हैं। अब मैं आपको अपनी वीडियो आगे निकाल के दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा आप इसको बड़ा और कर लीजिए, जिससे कि अपना इफेक्ट है जो अच्छा आ जाए। अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है फर्स्ट वीडियो का, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, जिससे कि मेरी टाइमिंग सेट बैठ जाए। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग ऐसे बैठाई है जैसे कि मैं हाई कर रहा हूँ, हाई जो है ठीक हो जाए। इस वीडियो को थोड़ा आगे और करें, मींस पहले एक जना हाई कर ले, फिर दूसरा जना हाई कर ले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं मेरी टाइमिंग बहुत ही अच्छी बैठ चुकी है। ऐसे ही आप अपनी टाइमिंग बैठा लीजिए। अगर आपको मेरी टाइमिंग में कोई दिक्कत लगे तो आप अपनी खुद की टाइमिंग बैठा लीजिए, जिससे कि आपका इफेक्ट जो है रियल सा लगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें बस इतना सा ही आपको करना था और आपका डबल रोल इफेक्ट जो है तैयार है।
तो अब आप देख सकते हैं मेरी में बहुत ही अच्छा डबल रोल इफेक्ट आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी VFX से रिलेटेड, स्पेशल इफेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।